तो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और थॉर जैसे कैरेक्टर्स मार्वल के क्लासिक कैरेक्टर्स हैं और इसीलिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इन जैसे सुपर हीरोज को जिन एक्टर्स ने प्ले किया है और जिन मार्वल कैरेक्टर्स को इनका दर्जा दिया गया है, हम सब उन सभी को ही रियल सुपर हीरोज मानते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से एमसीयू के अंदर एक नया ट्रेंड आ गया है और वो ट्रेंड ये है कि मार्वल स्टूडियोज एमसीयू के अंदर अब पुराने क्लासिक सुपर हीरोज को हटाकर उनकी जगह नए एक्टर्स की शक्ल में नए कैरेक्टर्स को ला रहा है। बेसिकली मार्वल एमसीयू के पुराने कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर रहा है। हालांकि ये करना कहीं ना कहीं जरूरी तो है क्योंकि कोई एक एक्टर या कैरेक्टर हमेशा के लिए एमसीयू में नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी इस बात को जानते हुए भी जब हम फैंस के सामने हमारे क्लासिक कैरेक्टर्स को चेंज किया जाता है और उनकी जगह किसी नए एक्टर की शक्ल में नए कैरेक्टर्स को दे दिया जाता है, तब वो देखकर हम सभी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे पुराने क्लासिक कैरेक्टर्स या तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मर चुके हैं या फिर किसी ना किसी रीजन की वजह से मेन स्टोरी से बाहर हो चुके हैं, तब उस टाइम पर हमें उन क्लासिक सुपर हीरोज के रिप्लेसमेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में और डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं एमसीयू के उन 10 नए कैरेक्टर्स को जो कि धीरे धीरे करके पुराने क्लासिक कैरेक्टर्स की जगह ले रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया आ गया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जैसे हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, शी हल्क। तो शी हल्क मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर बात की जाए एमसीयू की तो एमसीयू में जिस तरह से शी हल्क को उसकी सीरीज के अंदर पोर्ट्रे किया गया है, उसे देखने के बाद मार्वल फैंस शी हल्क से बहुत नाराज हैं और इसीलिए इसकी सीरीज को लोगों ने सबसे कम पसंद किया है। इसके साथ ही लोगों के नाराज होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि मार्वल स्टूडियोज एमसीयू के अंदर हल्क को शी हल्क से रिप्लेस करना चाहता है, बट फैंस में से ऐसा कोई भी नहीं चाहता। मार्वल कॉमिक्स के अंदर शी हल्क हल्क से काफी डिफरेंट है और कॉमिक्स में इन दोनों की स्टोरीज अलग अलग चल रही है, जिस वजह से फैंस के बीच शी हल्क और हल्क दोनों की अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन जिस तरह से एमसीयू के अंदर शी हल्क को हल्क की जगह दी जा रही है, वो चीज किसी भी फैन को पसंद नहीं आ रही है। नंबर 9, फैल्कन। तो फैल्कन खुद में ही एक प्रॉपर मार्वल सुपर हीरो है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब कैप्टन अमेरिका रिटायर हो जाते हैं तब वो फैल्कन को ही अपनी जगह देते हैं, जिसके बाद फैल्कन यानी कि सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका बनता है। अब यही सेम चीज एमसीयू के अंदर भी हुई है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हमने ये देखा था कि जब कैप्टन अमेरिका रिटायर हुए थे तब उन्होंने अपनी शील्ड फैल्कन को दे दी थी और उसे ही नया कैप्टन डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद आगे चलकर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के अंदर हमें इस नए कैप्टन अमेरिका का पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया गया था और इसीलिए सैम विल्सन का फैल्कन अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका को रिप्लेस करके अब नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है। नंबर 8, मिस मार्वल। तो मिस मार्वल यानी कि कमाला खान एमसीयू की पहली पाकिस्तानी ओरिजिन सुपर हीरो है। मिस मार्वल सबसे पहले सामने आई थी अपनी खुद की डिज्नी प्लस सीरीज के अंदर और इसकी सीरीज के अंदर जिसके अंदर हमें इसकी ओरिजिन से लेकर पावर्स तक और पावर्स से लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट तक सब कुछ दिखाया गया था। मार्वल कॉमिक्स के अंदर मिस मार्वल एक इनह्यूमन होती है जिसे उसकी पावर्स तब मिलती है जब वो टेरिजन मिस्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाती है। लेकिन अगर बात करें एमसीयू की तो एमसीयू के अंदर मिस मार्वल को ना तो एक इनह्यूमन दिखाया गया है और ना ही उसे उसकी पावर्स किसी टेरिजन मिस्ट से मिली है, बल्कि एमसीयू के अंदर तो ऐसा दिखाया गया कि मिस मार्वल एक म्यूटेंट है और जब उसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हुए तब उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई। मिस मार्वल बेसिकली एमसीयू के अंदर कैप्टन मार्वल का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी इस मिस मार्वल को कैप्टन मार्वल का एक फीमेल काउंटर पार्ट के तौर पर शो किया गया था। इसके साथ ही एमसीयू की कैप्टन मार्वल फैंस के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं है और इसीलिए मार्वल भी इस तैयारी में है कि जैसे ही उन्हें कैप्टन मार्वल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी वैसे ही वो उसे मिस मार्वल से रिप्लेस कर देंगे और मिस मार्वल को उसकी जगह दे देंगे। नंबर 7, केट बिशॉप। कैथरीन एलिजाबेथ बिशॉप यानी कि केट बिशॉप मार्वल की वो सुपर हीरो है जो कि एमसीयू के अंदर हॉकाई को रिप्लेस करेगी और हॉकाई की जगह लेने के बाद वो उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। केट बिशॉप बेसिकली एक नॉर्मल सी टीनेज गर्ल है और इसके पास भी हॉकाई की तरह ही कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। एमसीयू के द एवेंजर्स के इवेंट के दौरान ये केट बिशॉप हॉकाई को चित्तौरी आर्मी से लड़ते हुए देख लेती है और जब वो ये देखती है कि हॉकाई यानी कि अपना क्लिंट बार्टन सिर्फ बो और एरो की मदद से चित्तौरी आर्मी का सामना कर रहा है तब वो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है और फिर वो उसकी तरफ बनने की कोशिश करती है, जिसके बाद आगे चलकर हॉकाई खुद भी केट बिशॉप को बो और एरो की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद केट बिशॉप प्रॉपरली एक हॉकाई बनती है। नंबर 6, शूरी। शूरी एमसीयू के ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला की बहन है जो कि अब तक एमसीयू की कई सारी मूवीज में दिख चुकी है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर जब हमें ये दिखाया जाता है कि एमसीयू का ब्लैक पैंथर मर चुका है तब उसके बाद वकांडा की प्रोटेक्शन करने के लिए शूरी अपने भाई टिचाला की जगह लेती है और उसे रिप्लेस करते हुए नई ब्लैक पैंथर बनती है, जिसके बाद उसका सामना नेमोर से भी होता है। हालांकि एमसीयू के अंदर हमें ऐसा दिखाया गया है कि शूरी ब्लैक पैंथर के टाइटल को गिव अप कर चुकी है और वो इसलिए भी क्योंकि एमसीयू में टिचाला का बेटा भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हो सकता है कि अब शूरी के भी बाद टिचाला का बेटा ही ब्लैक पैंथर बने।
और इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी के लिए तो वो शुरी ही है जिसने टिचाला को रिप्लेस करके ब्लैक पैंथर की जगह ले रखी है। नंबर 5 आयरन हार्ट। तो रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट एमसीयू के अंदर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से अपनी एंट्री कर चुकी है और ये मार्वल की आने वाली सीरीज आयरन हार्ट के अंदर फिर से दिखेगी। आयरन हार्ट को एमसीयू में लाने का मेन इंटेंशन और कुछ नहीं बल्कि अपने आयरन मैन की लेगेसी को आगे ले जाना है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन की डेथ हो चुकी है और इसीलिए वो एमसीयू को अलविदा कर चुके हैं। लेकिन तब भी एमसीयू फैंस एमसीयू के अंदर आयरन मैन को देखना चाहते हैं और इसीलिए उनकी इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्वल स्टूडियोज एमसीयू के अंदर आयरन हार्ट के कैरेक्टर को लाने जा रहा है, जो कि बेसिकली एमसीयू में आयरन मैन को रिप्लेस करेगी। आयरन हार्ट यानी कि रीरी विलियम्स मार्वल की एक टीनेज सुपर हीरो है जो कि बहुत ही कम एज के अंदर टोनी स्टार्क के एडवांस आर्मर का एक छोटा सा नमूना तैयार कर लेती है और बनाती है अपने लिए अपना पहला आयरन हार्ट आर्मर। हालांकि उसका वो पहला आर्मर आयरन मैन के आर्मर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं होता, लेकिन कॉमिक्स में धीरे धीरे आगे चलकर ये अपने आर्मर्स को एडवांस करती जाती है। इसके साथ ही ये आयरन हार्ट आगे चलकर एमसीयू में एवेंजर्स का भी पार्ट बनेगी, जो कि अपने तेज दिमाग और एडवांस आर्मर्स की मदद से एवेंजर्स टीम की हेल्प करेगी। नंबर 4 स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर यानी कि कैसी लैंग मार्वल के एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग की बेटी है और क्योंकि ये एंटमैन की बेटी है इसीलिए इसे एंट गर्ल भी कहा जाता है। कैसी लैंग का फादर स्कॉट लैंग मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक पावरफुल सुपर हीरो है जिसे पूरी दुनिया एंटमैन के नाम से जानती है। लेकिन यही एंटमैन जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर मर जाता है तब उसके मरने के बाद उसकी बेटी कैसी लैंग अपने फादर एंटमैन की जगह लेती है और स्ट्रेचर नाम से एक नई सुपर हीरो बनती है। अब यही ठीक कहानी एमसीयू के अंदर भी होने जा रही है और मार्वल ने इसकी तैयारी भी कर ली है, क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी के अंदर कैसी लैंग को एक एंटमैन पहनाकर उसे स्ट्रेचर बना दिया गया है और जैसे ही मार्वल को मौका मिलेगा वैसे ही वो एंटमैन को हटाकर उसे स्ट्रेचर से रिप्लेस कर देंगे, जिसके बाद वो एमसीयू की एंट गर्ल बनेगी। नंबर 3 X-23। तो X-23 यानी कि लॉरा किनी एक्समैन टीम के वुल्वरीन की बेटी है, लेकिन ये वुल्वरीन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। असल में लॉरा किनी एक ऐसी म्यूटेंट है जिसे एक फैसिलिटी के अंदर आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है और वो भी वुल्वरीन के डीएनए का इस्तेमाल करके, और क्योंकि वुल्वरीन की बेटी X-23 वुल्वरीन के डीएनए से पैदा हुई है इसीलिए उसके अंदर भी वुल्वरीन जैसी सारी पावर्स हैं, जैसे कि शार्प एडमेंटियम क्लॉज, एनहांस्ड सेंसेस और सुपीरियर हीलिंग फैक्टर। इन सब के साथ ही X-23 एक किलिंग मशीन है, क्योंकि बचपन से इसके पास सभी तरह के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है और उनका इस्तेमाल करके ये अनगिनत लोगों को जान से मार चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करें इसके एमसीयू में वुल्वरीन को रिप्लेस करने की तो ये बात बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि मार्वल ये ऑफिशियली कह चुका है कि अगले साल आने वाली डेडपूल 3 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन की आखिरी मूवी होगी और इसीलिए हो सकता है कि उसके आगे ह्यूग जैकमैन की लेगेसी को बनाए रखने के लिए उसकी बेटी X-23 को एमसीयू में लाया जाए और उसकी जगह दी जाए। नंबर 2 येलिना बेलोवा। तो येलिना बेलोवा एमसीयू की अगली ब्लैक विडो है जो कि रिप्लेस करेगी नताशा रोमनोफ को, और जिस तरह से नताशा रोमनोफ एवेंजर्स का साथ देती थी बिल्कुल ठीक उसी तरह से अब येलिना उनका साथ देगी। येलिना एमसीयू के अंदर सबसे पहले सामने आई थी ब्लैक विडो की लाइव एक्शन मूवी के अंदर, जहां पर हम सबको ये पता लगा था कि येलिना बेलोवा और कोई नहीं बल्कि नताशा रोमनोफ की सौतेली बहन है, जिसे बिल्कुल नताशा की तरह ही ब्लैक विडो प्रोग्राम के अंदर ही तैयार किया गया है और इसीलिए येलिना भी हर वो फाइटिंग टेक्निक जानती है जो कि उसकी बहन नताशा जानती थी, और इसीलिए नताशा के ना रहने पर भी येलिना बड़े आराम से उसकी जगह ले सकती है और एमसीयू की नई ब्लैक विडो बन सकती है। नंबर 1 माइल्स मोरालेस। तो जिस तरह से फैल्कन एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका है उसी तरह से माइल्स मोरालेस एक ब्लैक स्पाइडरमैन है। असल में माइल्स मोरालेस मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, यानी कि अर्थ 1610 से, जहां पर जब इसके यूनिवर्स का पीटर पार्कर मर जाता है तब माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन की जगह लेता है और अपने यूनिवर्स का नया स्पाइडरमैन बनता है। और जब सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के बाद माइल्स मोरालेस का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तब उसके बाद से ही वो मार्वल के अर्थ 616 में रहने लगता है, जिसके बाद आगे चलकर वो यंग एवेंजर्स टीम का भी मेंबर बनता है। और बेशक से एमसीयू के अंदर माइल्स को दिखाया तो गया है, लेकिन इस बात को कंफर्म भी कर दिया गया है कि माइल्स मोरालेस ऑफिशियली एमसीयू का पार्ट है, बस देरी है तो उसके सामने आने की। और इसीलिए जिस तरह से मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के बाद माइल्स मोरालेस मेन यूनिवर्स का पार्ट बन गया था, ठीक उसी तरह से एमसीयू के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ऐसा हो सकता है कि इसी यूनिवर्स का माइल्स मोरालेस या फिर किसी और यूनिवर्स का माइल्स मोरालेस मार्वल के मेन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की जगह लेकर वहां का नया स्पाइडरमैन बने। तो दोस्तों यही थी वीडियो एमसीयू के उन 10 नए सुपर हीरोज के ऊपर जो कि एमसीयू के क्लासिक कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। वैसे आप सबको हमारी बनाई हुई ये वाली वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सबके मन में कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।